करूँगा कि बहुत आगे जाए और इस तरह से आर्टिस्ट को लेकर ऐसा मैनेज करे शो कि आर्टिस्ट भी खुश हो जाए और ऑडियंस भी खुश हो जाए। मैं सूरत गया था, वहाँ बहुत लोग नवरात्रि को बहुत बड़े जोश से मनाते हैं और वहाँ मतलब नवरात्रि को पूरे 9 दिन 10 दिन निभा लेना अच्छे से, वो एनर्जी लगा नवरात्रि का। इसलिए ये कर रहा हूँ मैं कि मैं माता रानी की सेवा करना चाहता हूँ 9-10 दिन अपने दिल से करना चाहता हूँ। बहुत जितनी मेरी कैपेसिटी है जितनी शिद्दत से मैं करना चाहता हूँ और एट द एंड ऑफ द डे जब प्रोग्राम ख़त्म हो तो मुझे ऐसा लगे कि मैंने बहुत दिल से किया है और माता रानी खुश है, ये मेरा गोल है। तैयारी होगा और इस बार की नवरात्रि बॉम्बे नहीं गुजरात में और बॉम्बे में दोनों में एक कुछ अलग रहेगा कि कुछ अलग आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे नहीं, चाहे वो मैनेजमेंट लेवल पे हो, चाहे वो आर्टिस्ट लेवल पे हो, चाहे वो क्रिएटिव लेवल पे, आपको अलग दिखेगा। चाहूँगा कि मिलिंद, मैं हूँ मिलिंद, आनंद मिलिंद डीओ की तरफ से, और हम लोग पहली बार गरबा कर रहे हैं, प्रोग्राम सूरत में कर रहे हैं और हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं कि अच्छा प्रोग्राम करेंगे और वो सेलेब के साथ जुड़े हुए हैं। एक एक्साइटमेंट है कि 9 दिन तक हम अपना संगीत और म्यूज़िक इस तरह का दें कि लोगों को मज़ा आए और लोग खूब नाचें। एक्चुअली ऐसा ही हुआ कि 2019 में इस साल मैं वो सेलेब के साथ नवरात्रि में परफॉर्म कर रही हूँ और बहुत अच्छे से शुरू से जिस तरह से आज ये इवेंट लॉन्च हुआ है, मेरी नवरात्रि लॉन्च हुई है। आई कांट थैंक गो सेलेब एंड चिराग जी एंड ऑल हिज टीम मेंबर्स इनफ टू स्टार्ट दिस इवेंट लाइक दिस और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ सभी का कि आप सब लोग आए। ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी नवरात्रि शुरू हो गई है, जिस तरह छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे गरबा खेल रहे थे, मेरा भी बड़ा दिल कर रहा था मैं भी शुरू हो जाऊँ जाके ना स्टिक्स संभाल लेके, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे कल्चर बहुत अच्छा लगता है। तो ऑल द बेस्ट टू गो सेलेब क्लब एंड या लुकिंग फॉरवर्ड, मुंबई में जब होगा तो डेफिनेटली आऊँगी और खेलूँगी भी। तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो कि नहीं? पार्टिसिपेट मैं नहीं कर रही हूँ इस बार, मैं नेक्स्ट ईयर ज़रूर करूँगी, पर डेफिनेटली आऊँगी और खेलूँगी और यू नो पूरा माहौल देखूँगी जब बॉम्बे में होगा। Thank you.
नवरात्रि बाहर ही की है. दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इस साल मैं अहमदाबाद में 9 दिन कर रही हूँ और उसमें से एक दिन आई एम डूइंग विद चिराग भाई एंड एमजेड इवेंट, वो साल नवरात्रि. हेलो एवरीवन, आई एम विपुल नानावटी. आई एम कमिंग फ्रॉम अहमदाबाद और आई एम आज का जो इनोग्रेशन था वो इतना धमाकेदार था. आज तक सालों से हम लोग नवरात्रि करते आ रहे हैं पर इतना बढ़िया और इतना इनोवेटिव इनोग्रेशन हमने कहीं और नहीं देखा. तो लगता है पूरे नवरात्रि से पहले पूरा नवरात्रि का माहौल बन गया है और हम लोग पूरे जोश में आ गए. तो मैं अपने जिले को ये कहना चाहूँगी कि आप सब आओ पार्टी, हम सब साथ में नाचेंगे गाएंगे झूमेंगे और आप सब लोग गेट रेडी एंड सेट द ग्राउंड ऑन फायर. थैंक यू वेरी मच. आज का जो तो था वो तो एकदम हमारे ट्रेलर कहते हैं, कोई भी फिल्म आने के पहले जो छोटा सा टीजर और ट्रेलर है वो आज चिराग भाई और आकाश भाई ने प्लान किया था. आज लॉन्चिंग था इसका बिकॉज उन्होंने जो हरक्यूलन टास्क, मतलब मैं कह सकता हूँ इतने साल से नवरात्रि कर रहा हूँ पर इस तरह से इतने बिग वे में, इतने प्रोफेशनल मैनर में, इतनी सारी जगहों पर इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ शायद ही किसी ने नवरात्रि आज तक की हो. मेरे ख्याल से तो किसी ने नहीं की. दे आर द फर्स्ट वन चिराग भाई और आकाश भाई की जिनका जिगरा ऐसा है जोरदार, इतनी बड़ी नवरात्रि उन्होंने प्लान की है और जिस तरह से पूरा आयोजन है ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है. अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे भाई, क्योंकि अभी तो शुरू होगी नवरात्रि और उसके बाद जो धमाल होगी वो तो शायद मेरे ख्याल से कहीं पे किसी ने देखी नहीं होगी. और आज दो साल का मुझे हुआ है गोरेगांव में, तो सबको जय माता दी सबसे पहले. और चिराग जी ने इतनी बड़ी इवेंट अच्छे तरीके से मैनेज किया है भूमि पूजन, क्योंकि वो सालों से इवेंट में है तो उनको पता है कि लोगों को कैसे कम्फर्ट करना है, यहाँ तक कैसे आएंगे वो सारी चीज़ें वो जानते हैं. तो बहुत अच्छे से हुआ है. और मैं सालों से नवरात्रि खेलती हूँ और मैं सूरत से हूँ तो भी लोग भी सूरत से हैं, तो मैं चाहूँगी कि मैं भी यहाँ पर खेलने के लिए आऊँ 9 दिन. और सिर्फ देखने के डांस करने मैम? हाँ जी, सिर्फ देखने के डांस भी करेंगे आप? देखा नहीं, मैं देखूंगी. मैं एक्चुअली मैं बच्ची थी तब से खेलती थी. मैंने जब छोटी थी तो मैं नवरात्रि खेलने जाती थी, मुझे बहुत सारे प्राइज मिलते थे. मैं इतना अच्छा खेल लेती हूँ. और अभी रिसेंटली मेरी 20 तारीख को गुजराती मूवी रिलीज होने जा रही है जिसमें मैंने आइटम सॉन्ग किया है, तो बाकी उसमें भी मैंने डांस किया है. नया गरबा लॉन्च करने वाले हैं अरे हाथ आ रहे हैं माता जी का, बहुत ही अच्छा है. थोड़ा सा एडजस्ट करना हाथ आ रहा है अपना नवरात्रि के फर्स्ट दिन से लेके ला गई और हम लोग इस बार कैनेडा भी परफॉर्म कर रहे हैं, दुबई भी परफॉर्म कर रहे हैं, यूरोप में भी परफॉर्म करने वाले हैं. मैं चाहूँगा कि उसका लाइन एक लाइन चाहिए सर कहीं.